वीर्य की परिपक्वता, बाहुल्य एवं रक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बुद्धि, बल, क्षमता, समता, विचार, दृढ़ता और साहस नहीं मिल सकता। ये रुपए किसी कुएं या जोहड़ में खर्च कर देना। परंतु बलवंत सिंह ने लोभवश वो रुपए अपने काम में लगा दिए, पर अंतर्यामी की आंखों से कहां कुछ छिपता है। बलवंत, जो पैसे तुम्हें दिए थे वो तुमने किस काम में लगाए, बोलो बलवंत। बाबा जी, वो पैसे तो, मेरा मतलब है, उस पैसे से मैंने तालाब खुदवा दिया। तुम झूठ बोलते हो बलवंत, सत्य कहो, तुमने रुपयों का क्या किया? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बाबा जी, मैं सच कहता हूँ। उन पैसों को मैंने जोहड़ खुदवाने के ही काम में लगाया है। बलवंत, मुझे झूठा आदमी नहीं सुहाता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने खेजड़ी काटी है। बाबा जी के मना करने के बाद भी पेड़ काटे हैं, वो मुझसे बहुत नाराज है, मैं नहीं जाऊंगा। ओमदास के समझाने के बाद भी तुलसा बाबा जी के पास नहीं आया। मारे भय के उसकी हालत खराब हो रही थी। इसी हालत में कुछ ही घंटों बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसमें बेर के कांटे भर दो। भक्त जनों ने यह भी किया और देखते देखते उस गड्ढे में लगभग 8 मन बेर की टहनियां भर दी गईं। अब इसमें आग लगा दो। लोग जैसे सम्मोहन में आकर बाबा जी का कहा करते गए। एक व्यक्ति ने लाकर बेर की टहनियों में आग लगा दी। गुरु समदानी कौन है, देते आत्म ज्ञान, शंकर निश दिन कीजिए गुरु चरणन का ध्यान। उन्होंने बाबा जी के निर्वाण के बाद आश्रम के संचालन का उत्तरदायित्व लिया और बखूबी निभाया। बाबा जी, ये कैसी लीला है? मैं तो इस हांडी में छाछ देकर के गया था, ये दही कैसे बन गया? दही खाकर तो देखो कैसा है। ये डंडा तो उस आदमी के पीछे ही चला जा रहा है। अरे अरे, बचाओ 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 बचाओ। भैया, ओ भैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इस डंडे से। मैंने तो थोड़ी सी ठिठोली की थी, पर अमृत बाबा जी का ये डंडा तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे भाई, तुमने तो अनर्थ कर दिया, एक शांत सिद्ध को छेड़ा है। हो गया। इतना पानी भीतर से होकर जाने से अब तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाना चाहिए। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका तो सारा शरीर ही शुद्ध है, आपको हाथ धोने की क्या जरूरत। बाबा जी ने उसे माफ किया और इस प्रकार उस घमंडी का भ्रम चूर चूर किया। बाबा जी की ऐसी अनगिनत लीलाओं ने न जाने कितने ही लोगों को सुमार्ग पर चलाया। ऐसी पुण्यात्मा को स्मरण करने के लिए हमें चाहिए हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ध्यान लगा।